राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी बताने वाली हूँ, आप इसे जरूर जानिए। हम सभी भगवान की पूजा आरती करते हैं, आरती करते वक्त तालियां क्यों बजाई जाती है, आज इसी बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। हम जब पूजा करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, तो उस वक्त हम ताली बजाते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज यही रहस्य को मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। आरती करते वक्त तालियां क्यों बजाई जाती है? हम बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को देखकर ऐसा हम करते हैं। यह सदियों से चली आ रही परंपरा है, लेकिन इन सब के पीछे ऐसा क्या कारण है, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? भगवान की आरती भजन करते समय तालियां बजाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे धर्म में इस बात की बहुत बड़ी महत्ता है। हमारे सनातन धर्म में सभी चीजें रहस्य से भरी पड़ी है। रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल और वीडियो के साथ। ये जानते हैं कि आरती, भजन व कीर्तन करते समय तालियां क्यों बजाई जाती है। हम अक्सर यह देखते हैं कि जब भी आरती, भजन और कीर्तन होता है तो उसमें सभी लोग तालियां जरूर बजाते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि आखिर यह तालियां क्यों बजाई जाती है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग बिना कुछ सोचे समझे जाने तालियां बजाया करते हैं, क्योंकि हम अपने बचपन से ही अपने घरों परिवारों में ऐसा करते देखते रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले, यदि वो दोनों हाथ ऊपर करे तो वह वस्तु गिर जाएगी। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर हम कोई वस्तु अपने पास छिपा कर रखते हैं और अपने हाथों को ऊपर कर ले तो वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं तो जन्मों से संचित जो पाप हमने अपने स्वयं अपने बगल में दबा कर रखे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ तक जाता है कि जब हम संकीर्तन यानी कि कीर्तन के समय हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं तो काफी शक्ति उसमें लगती है, और संकीर्तन से यानी कीर्तन करने से हमारे हाथों की रेखाएं तक बदल जाती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ भी कीर्तन होता है, जहाँ भी भागवत होता है, जहाँ भी आरती होती है, वहाँ पर लोग अपने हाथों को ऊपर उठाकर तालियां बजाते हैं। इससे हम हमारे सौभाग्य की हाथों की रेखाएं तक बदल जाती हैं। परंतु यदि हम आध्यात्मिकता की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, इसका एक और भी बहुत बड़ा पहलू है। एक्यूप्रेशर सिद्धांत यानी कि एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को हाथों में पूरे शरीर के अंग और प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है, और धीरे धीरे अगर कोई भी रोग होता है तो वह ठीक होने लगता है। यह जानकर आपको बेहद खुशी और आश्चर्य भी होगा, इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने का सबसे सरल तरीका होता है ताली। असल में ताली दो तीन प्रकार से बजाई जाती है। ताली में बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है, दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए। इस प्रकार की ताली से बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत व बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की उंगली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं, और इससे इन अंगों तक खून का प्रवाह तीव्र रूप से होने लगता है। इस प्रकार की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक कि हथेली लाल ना हो जाए। इस प्रकार की ताली कब्ज, एसिडिटी, मूत्र संक्रमण, खून की कमी और श्वास लेने जैसी तकलीफों जैसे रोगों में भी लाभ पहुंचाती है। दूसरी जो ताली होती है वो होती है थप्पी ताली। ताली में दोनों हाथों के अंगूठे से कनिष्का और कनिष्का यानी कि सबसे छोटी उंगली जो होती है उससे तर्जनी यानी सभी उंगलियों के बराबर ये उंगलियां अपने समानांतर दूसरे हाथों की उंगलियों पर पड़ती है, पर हथेली पर पड़ती हो तो इस प्रकार की ताली को थप्पी ताली कहा जाता है। यानी कि एक अंगूठा अंगूठे से कनिष्का, कनिष्का से तर्जनी, तर्जनी से
और सभी उंगलियां अपने समानांतर दूसरे हाथ की उंगलियों पर पड़ती है। हथेली दूसरे हथेली पर मिलती है तो उसे हम थप्पी ताली कहते हैं। इस प्रकार की ताली का आवाज बहुत तेज और दूर दूर तक जाता है एवं इस प्रकार की ताली कान आंख कंधे मस्तिष्क मेरुदंड के सभी बिंदुओं पर दबाव डालती है। ताली का सर्वाधिक लाभ फोल्डर एंड शोल्डर डिप्रेशन अनिद्रा स्लिप डिस्क ग्लाइसिस आंखों की कमजोरी में भी लाभ पहुंचाता है। एक्यूप्रेशरों की राय में इस ताली को भी तब तक बजाया जाए जब तक कि हथेली लाल ना हो जाए। इस ताली से अन्य अंगों के दबाव बिंदु सक्रिय होते हैं तथा यह ताली संपूर्ण शरीर को सक्रिय करने में भी मदद करती है। इस ताली को तेज व लंबा बजाया जाता है तो शरीर में पसीना आने लगता है जिससे कि शरीर के विषैले तत्व पीने से बाहर आकर त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। और तो और ताली बजाने से न सिर्फ रोगों से रक्षा होती है बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है। जिस तरह कोई ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है ठीक उसी तरह कई रोगों को दूर करने में यह ताली न सिर्फ चाबी का ही काम नहीं करती बल्कि कई रोगों का ताला खोलने वाली होने से इसे मास्टर चाबी भी कहा जा सकता है क्योंकि हाथों से नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोगों को दूर किया जा सकता है स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। राम कृष्ण देव जी कहा करते थे कि ताली बजाकर प्रातः काल और सायंकाल हरि नाम भजा करो ऐसा करने से सभी पाप दूर हो जाएंगे। जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पेड़ पर सभी चिड़ियां उड़ जाती हैं वैसे ही ताली बजाकर हरि नाम लेने से देह रूपी वृक्ष से सभी विद्या रूपी जो हमारे पाप हैं वो चिड़िया के स्वरूप उड़ जाते हैं। तीन काल से मंदिरों में पूजा आरती भजन कीर्तन आदि में समवेतु हेतु ताली बजाने की परंपरा रही है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक अत्यंत उत्कृष्ट साधन भी है। चिकित्सकों का कहना है कि हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अधिक होते हैं। ताली बजाने के दौरान हथेलियों के एक्यूप्रेशर केंद्रों पर अच्छा दबाव भी पड़ता है जिससे शरीर की अनेक बीमारियों में लाभ पहुँचता है और शरीर निरोगी बना है। अतः ताली बजाना एक बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। इससे शरीर की निष्क्रियता खत्म होकर क्रियाशीलता बढ़ती है रक्त संचार की रुकावट दूर होकर अंग से कार्य करने लगते हैं रक्त का शुद्धिकरण बढ़ जाता है और हृदय रोग रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बनना रुकता है फेफड़ों की बीमारियां दूर होती है रक्त के श्वेत रक्त कण सक्षम और सशक्त बनने के कारण शरीर में चुस्ती फुर्ती और ताजगी का एहसास होता है रक्त में लाल रक्त कणों की कमी होकर वृद्धि होती है और हमारा स्वास्थ्य सुधर कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल वाले वीडियो में आध्यात्मिक वाले वीडियो में मैं आपको डॉक्टर से संबंधित बातें क्यों बताने लगी। असल में ताली बजाने का आध्यात्मिक महत्व तो है ही शारीरिक महत्व भी बहुत है इससे बहुत सारी बीमारियों में लाभ होता है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करूं और आपको बताऊं कि इसके कितने लाभ है ताली बजाने से। इसलिए पूजा कीर्तन में तालबद्ध तरीके से अपनी पूरी शक्ति से ताली बजाएं और रोगों को दूर भगाएं। इससे तन्मय होने से ध्यान लगाने में भी बहुत सुविधा प्राप्त होती है। ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है और प्रतिदिन यदि नियमित रूप से हाथों से नियमित रूप से अगर ताली बजाकर कई रोगों को दूर किया जा सकता है एवं स्वास्थ्य की समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सहज योग है। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ हमारा शारीरिक महत्व भी ताली बजाने से पूर्ण हो जाता है। अब आप मुझे सभी कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी आरती करते वक्त ताली बजाते हैं या नहीं बजाते हैं और अगर बजाते हैं तो कैसे जरूर कमेंट करिए जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको यह रोचक जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने तक सीमित ना रखते हुए सबके साथ शेयर भी अवश्य करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें प्यार देते रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी रोचक जानकारियां हमेशा मिलती रहें। जो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।